नमस्कार ज्योति भारती खाना खजाना में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एकदम नई रेसिपी लेकर आई हूँ सर्दी का मौसम है मार्केट में सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी आ गई है लेकिन आज मैं आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ वो है मेथी मटर मलाई की सब्जी बहुत ही डेलीसियस बहुत ही टेम्पिंग बहुत ही यमी लगती है और अगर आप मेरे तरीके से मेथी मटर मलाई की सब्जी बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे घर पर ही तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है मेथी मटर मलाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में चॉप करके रखा है एक हरी मिर्ची हमने यहाँ पर चॉप कर ली है और एक हमने साजी हरी मिर्ची रखी है यहाँ पर मैंने आधी कटोरी फ्रोजन मटर लिए हैं ये हमने होममेड मलाई जो दूध से निकली हुई मलाई होती है वो लिया है और ये मैंने दो ग्राम मेथी को अच्छे से धोकर साफ कर, कर रखा है और यहाँ पर लहसुन अदरक हरी मिर्ची का हमने एक चम्मच पेस्ट लिया है आठ दस हमने काजू के टुकड़े लिए हैं यहाँ पर हमने कुछ खड़े स्पाइसेस लिए हैं जिसमें मैंने एक तेज पत्ता आठ दस काली मिर्ची और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनाना है इसे हैं गैस पर एक पैन रख दिया है गर्म करने के लिए गैस की फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी है सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने प्याज और काजू लिया है उसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो एक चम्मच हमने ऑयल एड किया है और जो प्याज और हरी एक हरी मिर्ची को हमने काट कर रखा था उसे इसमें डाल दिया है अब हम इसे दो से तीन मिनट के लिए हल्का सा पका लेंगे हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है केवल हल्का सा जो प्याज का कच्चापन होता है वो चला जाए इसके लिए हम इसे पका रहे हैं क्योंकि हम जो मेथी मटन मलाई की सब्जी बना रहे हैं वो एकदम क्रीमी होगी एकदम डिलीसियस टेस्टी वाली होगी तो यहाँ पर देखिए हमारा प्याज अच्छे से भुन चुका है तो उसके बाद हमने जो आठ दस काजू के टुकड़े लिए थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं और दो से तीन मिनट हम इसे फिर से इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे तो देखिए हमारा प्याज बहुत अच्छे से पक चुका है और गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद तो चलिए इसे हम एक मिक्सर के जार में डाल देते हैं और इसका एक ग्राइंड पेस्ट बनाएंगे लेकिन इसे पहले थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो हमने जो मेथी रखा हुआ है धोकर साफ़ कर कर उसे भी हम हल्का सा भून लेंगे तो यहाँ पर उसी पैन में मैंने एक चम्मच ऑयल फिर से डाल दिया है और गैस की फ्लेम हमने अभी भी मीडियम टू लो ही रखी है जो हमने मेथी को साफ़ करके रखा था उसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा चॉप कर लिया है काट कर रखा है उसे हमने इसमें तेल के अंदर डाल दिया है तो आप देख सकते हैं मेथी का कलर कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पर हम इसे दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे आप अगर मेथी मटर मलाई बना रहे हैं तो मेथी थोड़ा ज़्यादा ही रखिए क्योंकि मेथी भुनने के बाद बहुत थोड़ी सी बच जाती है बहुत थोड़ी सी रह जाती है तो यहाँ पर मैंने दो कप मेथी लिया है आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर तीन ग्राम मैंने मेथी लिया है और देखिए इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे इस तरीके से पका लेंगे दो मिनट के लिए हम पकाएंगे मेथी बहुत अच्छे से पक हो जाएगी क्योंकि हम इसका कच्चापन जो एक कसक होती है मेथी में कड़वाहट होती है वो निकल जाती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा मेथी मटर मलाई में तो इसलिए हमने इसे दो से तीन मिनट ही पकाया है ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरीके से पका लेंगे तो मेथी बहुत अच्छे से पक गई है गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं तब तक देख लेते हैं इधर हमने जो प्याज को हल्का सा रोस्ट करके रखा है ऑयल में और उसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो देखिए मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और अभी भी ये हल्का सा गर्म है बट कोई बात नहीं तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं इसकी मेथी मटर मलाई बनाने की इधर हमारी भाजी भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो गैस पर हमने रख दी है कढ़ाई कढ़ाई में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल आप जितनी भी क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके हिसाब से आप तेल ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने जो खड़े स्पाइसेस लिए थे वो तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर डाल दिए हैं इसे हल्का सा हम इसे चलाते हुए पका लेंगे इसका जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज और काजू की प्यूरी बना के रखी है उसे हमने तेल के अंदर डाल दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे हम इसे मीडियम टू तो लो फ्लेम पर पकाएंगे और कंटिन्यू चलाएंगे। अगर ये तली में लग जाएगा तो हमारी जो मेथी मटर मलाई का स्वाद और कलर है वो चेंज हो जाएगा इसलिए हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे अब हमने जो एक हरी मिर्ची सादी रखी है वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है और जो हमने एक चम्मच लहसुन हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट बनाकर रखा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है अब इसे देखिए इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है और इसे ज़्यादा पकाने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम ऑलरेडी प्याज को हल्का सा तेल में रोस्ट कर चुके हैं पका चुके हैं तो इसकी जो क्रीमी और ग्रेवी है वो बहुत ही जल्दी कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है तो आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है तो हमने इसमें डाल दिए हैं फ्रोज़न मटर अगर आपके पास फ्रेश मटर हैं तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो उसे हल्का सा पानी में बॉइल कर लें उसके बाद इसके अंदर डालें और अब हमने जो मेथी को हल्का सा तेल में रोस्ट करके रखा था वो भी हमने इसमें ईड कर दिया तो आप दोनों चीज़ों को अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे और तीन से चार मिनट हमें पकाना होगा इससे ज़्यादा नहीं पकाना होगा अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं मेहमान आए हैं और जल्दी से आप कुछ बनाना चाहती हैं तो आप मेथी मटर मलाई की सब्जी बनाकर आप मेहमानों को भी खुश कर सकती हैं और अपने फैमिली वालों के साथ भी इंजॉय कर सकती हैं तो देखिए ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है तो यहाँ पर हमारी जो मेथी मटर की सब्जी का आप कलर देख सकते हैं एकदम क्रीमी एकदम डिलीशियस माउथ वाटरिंग हमारी मेथी मटर मलाई की सब्जी बनकर तैयार हो रही है तो अब आप मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे अगर ये थोड़ा सा भी तले में लगेगा तो इसका कलर चेंज होने लगता है मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसका कलर तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसमें थोड़े से हम मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर वन फोर्थ चम्मच हल्दी पाउडर आधी चम्मच हमने नमक का यूज़ किया है और आधी चम्मच हमने सब्जी मसाला यहाँ पे डाला है आप जो भी मसाला लेते हैं यूज़ करते हैं वो इसमें यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे हल्दी की क्वांटिटी बहुत कम रखी है अगर हम ज़्यादा हल्दी रखेंगे तो इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा एकदम पीला कलर हो जाएगा और हमें ऐसा नहीं रखना है तो हमने मेथी मटर मलाई में हल्दी का बहुत कम यूज़ किया और सारे मसालों को हम दो से तीन मिनट तक इसमें अच्छे से पका लेंगे अगर आपको लगता है कि आपकी मेथी मटर मलाई थोड़ी सी ठीक हो रही है गाढ़ी हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी चला कर भी इसे पका सकते हैं तो मैंने यहाँ पर वन फोर्थ ग्लास का पानी का यूज़ किया है एक चौथाई गिलास का हमने पानी डालकर इसे पका लिया है इससे हमारा जो मसाले वो भी अच्छे से पक जाएंगे और यहाँ पर मसाले अच्छे से पक चुके हैं तो उसके बाद हमने इसमें डाली है होममेड क्रीम जो हमने दूध से निकाली हुई क्रीम थी उसे मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था वही क्रीम हमने इसमें डाल दी है और इसे चला दिया है अच्छे से आप चाहें तो बाहर की जो अमूल फ्रेश क्रीम आती है वो भी आप ले सकते हैं लेकिन मैंने घर पे ही रखी हुई क्रीम का यूज़ किया है बहुत ही डेलीसियस लगती है तो देख सकते हैं हमारी जो मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी वो बनकर तैयार है गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद और यहाँ पर हमने एक सर्विंग बाउल के अंदर इसे निकाल दिया है कितनी डेलीसियस यमी बनी है आप इसे गर्मा गर्म, गर्म रोटी चपाती या गर्म, गर्म राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन पर भी क्लिक कर लीजिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ बाय टेक केयर